नागरिकता और बुद्ध, दुनिया के यानी इस अर्थ के जितने भी कंट्री हैं उन सारे देशों में, सारे कंट्रीज में भारत उन सब का ताज है। भारत सबसे अच्छा और सबसे सुंदर है। उसका कारण है कि भारत की जो जमीन है उस पे बर्फ भी है, नदियाँ उसकी हमेशा बहती रहती हैं, ठंडा मौसम भी है, गर्म भी है, बारिश भी यहाँ खूब होती है, यहाँ पठार भी है, यहाँ रेगिस्तान भी है, यहाँ समुद्र का तट भी है और यहाँ द्वीप भी है। इसके अलावा यहाँ फल और फ्रूट बहुत है, यहाँ पेड़ बहुत हैं, यहाँ जंगल बहुत हैं, जानवर भी यहाँ बहुत हैं। ये सारी चीज़ें मिलके भारत को पूरी दुनिया में सबसे अद्भुत बनाती हैं। यानी ऐसा कोई भी एक भी कंट्री नहीं है जहाँ सारे मौसम, सारे फल फ्रूट और सब तरह की जो भौगोलिक स्थिति है, ज्योग्राफी है, वो सारी यहाँ पाई जाती हो। यहाँ के लोग भी बहुत ज़्यादा शांत लोग हैं और अधिकतर वो अपने अन्वेषण करते हैं खुद का, यानी अपने शरीर का, अपने मन का। वो बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक भी हैं जिनको इसी बोलते हैं, इसी पाली के अंदर जो अपने शरीर का अन्वेषण करता है, जो जानकारी इकट्ठी करता है, उनको इसी बोलते हैं। इसी से बाद में इसी वर पड़ा। इसी वर का मतलब है जो इसियों में श्रेष्ठ हो, वर माने श्रेष्ठ होता है। ये कमाल का जो योग और संयोग भारत के साथ है, जो उसकी खसूसियात हैं, यानी जो उसकी बहुत सारी खासियत हैं, यही भारत के लिए भारत की दुश्मन बन गई। भारत में जो वमण लोग हैं वो लगभग इतिहास के अनुसार 13 बार आए हैं। वमण का मतलब है यहाँ के लोगों के विपरीत। यहाँ के लोगों को समण बोला जाता था पुरानी पाली भाषा में। पाली भाषा का मतलब सबसे पहले कौशली, कौशली से पहले भी कुछ रही होगी, कौशल प्रदेश था तो कौशली हो गई, मगध हुआ तो मगधी हो गई, अशोक आए तो अशोकी हो गई, उसके बाद किसी ने दबी हुई भाषा को खोजा, उसका नाम पाली रखा तो पाली हो गई, और आज की जो हिंदी है वो वही भाषा है जो लगातार लगातार अपना रूप बदल के आती जा रही है। यानी हम उसे पाली के नाम से ज़्यादा जानते हैं और पढ़ते भी हैं। तो उस के जो लोग थे, उस भाषा के जानकार या भारत के जो लोग थे उस भाषा में, उनको समण बोलते हैं। समण का मतलब है शांत, साधु जैसा, मेहनती, स्थायी रहने वाला, काले रंग का ब्लैक या गोरा भी हो सकता है पहाड़ों पे। और जो वमण है, वम का मतलब होता है उल्टी करना, वमण माने उल्टी, यानी कि जो उनके बिल्कुल उलट तरह के विचार में या रहने में, खाने पीने में या व्यवहार में लोग रहे, उनको वमण बोला, जो स्थायी नहीं थे। तो पाली भाषा के अंदर बाहर के जो लोग हैं उनको वमण बोला जाता है और जो भारत के यहाँ के रहने वाले हैं उनको समण बोला जाता है। तो समणा और वमणा कई बार बुद्ध की भाषा में इसका जिक्र आपको मिलेगा, क्योंकि बुद्ध ने अपने जितनी भी शिक्षाएं दी वो समणा और वमणा दोनों के लिए दी हैं, कहीं कोई भेदभाव रखा नहीं। यहाँ जो ये जो 13 प्रकार के जो वमण आए, यहाँ के सारे वातावरण को देख के, खुशनुमा हाल को देख के, पेड़ जो लदे हुए थे फलों से, फ्रूट से, जो जानवर थे उनको देख के वो पगला से गए, क्योंकि जहाँ से वो आए थे वहाँ सूखा, बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम, पानी पीने को नहीं, आपस में लड़ रहे हैं, कबीले हैं, कभी बारिश हुई कभी नहीं हुई। उस चीज़ को देखने के बाद में जब यहाँ आके देखा तो उनकी आँखें फटी फटी रह गई। जो यहाँ आया यहाँ आता चला गया। श्रवण लोगों ने ना खुशी जाहिर की ना ही विरोध जाहिर किया, जो रहता है रहे, जो खाता है खाए, कोई समस्या यहाँ नहीं आई। जो नागरिक शब्द है, नागरिक जो आपने अगर सुना हो, अनागारिक धम्मपाल, अनागारिक धम्मपाल का मतलब है अनागारिक, जो घर में ना रहता हो, ऐसा धम्मपाल, यानी धम्मपाल ने अपना घर छोड़ दिया तो वो अनागारिक हो गए। यहाँ आगारिक का मतलब होता है रहने वाला, और नाग अगर जोड़ दें तो नागरिक हो गया, यानी नाग आगारिक। नाग आगारिक का मतलब है कि यहाँ के लोग जो रहते हैं, यानी नागरिक का जो मतलब है वो सीधा सीधा स्पष्ट है कि नागरिक वही होगा जो यहाँ रहता है, यानी नाग लोग जो यहाँ रहते हैं वो नागरिक हो गए।
ये कमाल की बात है कि नाग शब्द से सारी चीजें बनी हैं, नगर पालिका, नागरिकता, नगर, नागर, नागालैंड, अनंतनाग, नागपुर और देवनाग लिपि, यानी कि नाग जहां 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 भी जुड़ गया। एक वीडियो नाग की मैंने बनाई है, आप देख लीजिए और आप भी उसमें जोड़ सकते हैं, क्योंकि नागों की संस्कृति प्राचीन है, फैली हुई है। यानी कि नागरिकता उसी बोलेंगे जो नाग आगारिक होता है, यानी नाग रहने वाले को। इस हिसाब से वमण की नागरिकता नहीं बनती, क्योंकि वो वमण के हिसाब से नाग लोग नहीं है। इसलिए नागरिकता का ध्यान रखिए कि नागरिकता एक बहुत मजबूत शब्द है। बुद्ध के आने के बाद जहाँ लोग अपना दर दूध के किया करते थे, यानी मन का दर, दर माने क्या होता है, दर माने होता है दुख, चिंता, कष्ट, पाली के हिसाब से, पाली भाषा में दर को कहते हैं, दर दर की ठोकर खा रहा है। दर दर की ठोकर खा रहा है का मतलब है कि दुख दुख की ठोकरें खा रहा है, कष्ट कष्ट की ठोकरें खा रहा है, तो उसको दर बोलते हैं। और अगर मन का दर हो, यानी मन का कष्ट हो, मन का दुख हो, तो उसको मन दर बोलते हैं। और जिस स्थान पे उसको दूर करते थे, बाद में उसको मन दर बोलने लगे। और नाग लोग जहां जाते थे उसको नाग मन दर बोलने लगे, यानी कि नाग मन दिर या नाग मन दर। तो ये मन दर से ही बाद में मंदिर शब्द बना, जहां लोग अपनी चिंता कष्ट दूर मन के किया करते थे। नाग लोगों के ऐसे मंदिर या मंदिर या मन स्थान पूरे भारत में बिखरे पड़े हैं। जहां भी आपको नाग मंदिर मिलेगा, इसका मतलब नाग लोग वहां बैठ के अपने मन के दर को दूर किया करते थे। ये बहुत स्पष्ट सी बात है, क्योंकि पाली भाषा बहुत सरल भाषा है और इसमें एक एक शब्द का आसानी से आंसर मिल जाता है। तो ये नागरिकता शब्द वहीं से आया है, यानी जो नाग लोग आगारिक थे, रहने वाले नाग लोग थे, वहीं से उनको नागरिकता शब्द मिला है। सिटीजनशिप का, सिटीजन जहां रहते होंगे, जहां सिटी होंगे वहां उनको सिटीजनशिप बोला करते थे, मगर यहां तो इनको नागरिकता बोला जाता है। वमण लोगों से समण लोगों ने कभी ऐतराज नहीं किया, मगर एक स्पष्ट सी बात है, एक स्पष्ट सी कहानी है कि अगर आपके मन में पहले से ही कोई डर बैठा हुआ है, पहले से ही आपको लगता है कि ये डर है, तो आपका व्यवहार उसी हिसाब से होगा। एक कहानी मैं आपको सुनाता हूँ, जो बुद्ध की कहानी है, मैंने पहले भी आपको बताई है। एक जो व्यापारी होता है, शाम हो जाती है, एक गांव में उसको ठहरना होता है। तो गांव के बाहर दो युवक खड़े होते हैं, दोनों आपस में दोस्त होते हैं। वो उनसे पूछता है कि इस गांव के लोग कैसे हैं, मुझे रात को यहाँ ठहरना है। तो वो दोनों जो युवक थे, उनमें से एक पूछता है कि आपके गांव के युवक कैसे थे। तो वो कहता है कि हमारे गांव के तो बहुत खराब लोग हैं, बड़े ही बेकार लोग हैं, बहुत ही घटिया लोग हैं। तो वो व्यक्ति कहता है कि इस गांव के भी ऐसे ही लोग हैं, बहुत घटिया, बहुत बेकार, बहुत खराब लोग हैं। तो कहता है मैं तो यहाँ नहीं ठहरूंगा, और वो वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद फिर एक व्यापारी आता है और वो फिर वही प्रश्न करता है कि मुझे इस गांव में रात को ठहरना है, इस गांव के लोग कैसे हैं। जो व्यक्ति से जिससे प्रश्न पूछता है, वो फिर उससे पूछता है कि आपके गांव के लोग कैसे हैं। तो कहता है हमारे गांव के तो लोग बहुत अच्छे हैं, एक दूसरे का बड़ा ध्यान रखते हैं, एक दूसरे की बड़ी मदद करते हैं, बड़े भाईचारे से खाना खिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, बड़ी आवभगत करते हैं। तो वो व्यक्ति कहता है कि इस गाँव के लोग भी ऐसे ही हैं जैसे आपके गाँव के हैं। तो वो व्यक्ति गाँव में जाके ठहरता है और सुबह को ठहर के चला जाता है। वो जो दूसरा व्यक्ति है, वो उससे पूछता है कि आपने पहले मुसाफिर को तो ये कहा कि इस गांव के लोग खराब हैं, और दूसरे मुसाफिर को ये कहा कि इस गांव के लोग अच्छे हैं, ऐसा क्यों कहा। तो वो व्यक्ति कहता है कि जैसा इस व्यक्ति का मन है और जैसा ये व्यक्ति है, इसको सारे लोग ऐसे ही दिखाई देंगे और ये ऐसा ही व्यवहार करेगा। इसलिए गाँव के लोग तो जैसे हैं वैसे ही हैं, मगर इसके व्यवहार के साथ ही वो बदल जाएंगे, इसके व्यवहार के अनुसार ही ये देखेगा, इसलिए मैंने ऐसा कहा। इसका मतलब ये है कि जो बाहर से लोग आते हैं, यानी वमण लोग आते हैं, अगर उनके मन में डर है और भय है, तो वो अपने डर को और भय को दूर करने के लिए निगेटिव काम करेंगे, घटिया काम करेंगे, नकारात्मक काम करेंगे, हिंसात्मक काम करेंगे और हमेशा छल कपट में लगे रहेंगे। और उनके मन में डर नहीं है, भय नहीं है, भाईचारा है, प्यार है, तो वो अच्छा काम करेंगे। इसलिए वमण आने वाले लोगों में दोनों तरह के लोग रहें, अच्छे भी लोग रहें और खराब भी लोग रहें। अमरीका के अंदर जो वमण लोग गए, यानी कि जो आयरिश लोग गए थे या जो इंग्लिश लोग गए थे, जब अमेरिका को डिस्कवर किया उन्होंने, खोजा उस जमीन को, तो वहाँ रेड इंडियन लोग बहुत रहते थे।
बताते हैं कि वहां रेड इंडियन बहुत बड़ी संख्या में मारे गए, उनका कत्लेआम किया गया। ये कत्लेआम जो हुआ, बुद्ध की फिलॉसफी के अनुसार ये जीवन भर उनके बच्चों को डसेगा, उनकी संतानों को डसेगा, क्योंकि उन्होंने जो सिन किया है, जो पाप किया है, वो रिकॉर्ड हो जाता है ह्यूमन के सॉफ्टवेयर में, जो भी वो गलत काम करते हैं, और वो पीढ़ी दर लगातार निकलता रहता है और वो उसी तरह का व्यवहार करता है। इसलिए जो वमण और समण, यानी कि जो उनका रिश्ता है पूरी दुनिया में चलता है, आने का जाने का, जो लोग रहते हैं, माइग्रेट करते हैं, उसके कुछ नियम होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, उनसे उनकी पहचान आसानी से हो जाती है। अगर वमण का जो बाहर से आया हुआ आदमी है, अगर उसका मन खराब है और ठीक नहीं है और उसके अंदर भय है, उसके अंदर डर है, तो वो कभी सुखी नहीं रहेगा और वो समण को देख के हमेशा भयभीत रहेगा, डरेगा, निगेटिव काम करेगा, हिंसात्मक काम करेगा और अपनी असुरक्षा के भाव से वो कभी निकल नहीं पाएगा, उसको हमेशा डर सताता रहेगा। अगर समण और वमण आपस में मिक्स नहीं होंगे तो उनके अंदर एक दीवार रहेगी और वो कभी भी देश में रहते हुए एक दूसरे को अपना नहीं मानेंगे, हमेशा वैर भाव रखेंगे, दुश्मनी का भाव रखेंगे। इस वैर भाव के चलते वो आपस में एक दूसरे की कभी रेस्पेक्ट नहीं करेंगे, ना ही वो एक दूसरे को इज्जत देंगे, और उनमें एक तलवार साइलेंट रूप से कोल्ड वार के रूप में हमेशा खिंची रहेगी। इसके चलते वमण पूरी दुनिया में भी इज्जत नहीं पाएंगे, यानी जो लोग माइग्रेट होकर कहीं आते हैं वो लोग भी पूरी दुनिया में इज्जत नहीं पाएंगे, क्योंकि उनका व्यवहार पूरी दुनिया में जाएगा। और आधुनिक रूप में कोई वमण अगर अपने आप को छदम भेष रख के किसी भी हालत में छुपाता है, या कोई ऐसा प्रेम दिखाता है जिससे कि ये घोषित हो कि वो समण है, या कोई कवर अपने ऊपर ढकता है, तो आज जो साइंस है और जो सिस्टम है और जो कल्चर है और जो भाषा है और जो त्वचा है, जो रंग है या जो डीएनए है, वो बता देता है कि ये व्यक्ति या ये समूह या ये ग्रुप किस जगह से आए, कहाँ इनका अनुवांशिक मिलते हैं गुण, कहाँ के नहीं हैं। ये बड़े कमाल की खोज की बात है। मगर इससे भी जो बड़ी बात है वो ये है कि बुद्ध ने लगभग 2500 साल पहले ह्यूमन के सॉफ्टवेयर को डिकोड कर लिया, और ह्यूमन के सॉफ्टवेयर को डिकोड करने के बाद में उन्होंने ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताया कि कोई आदमी अगर दुष्कर्म करता है या पाप करता है या गलत काम करता है या सही काम करता है या अच्छा काम करता है, तो उसके वो सारे काम उसके सॉफ्टवेयर में जाके स्टोर हो जाते हैं और वो एक कोड में बदल जाते हैं जो उसकी संतानों में लगातार 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 ट्रांसफ़र होता रहता है। यानी कि अगर आपने खराब काम किया है तो आपके बच्चों में वो ऑटोमेटिक जाता रहेगा और उसमें वो सारे जो खराब फाइलें हैं वो आपके शरीर पर निकल के आएंगी, टेंशन में, ब्लड प्रेशर में, कैंसर में, या बच्चे पैदा नहीं होंगे बाजपन में, बाल उड़ जाएंगे जल्दी, या चेहरा बिगड़ जाएगा जल्दी, या हार्ट का डिसीज हो जाएगा, या लंग का डिसीज हो जाएगा, या पैरालिसिस हो जाएगा, या घुटने खराब हो जाएंगे, आंखें खराब हो जाएंगी समय से पहले, और ये डिसीज़ धीरे धीरे आपको ख़त्म कर देंगी, अल्टीमेटली वो जो फाइल है वो आपको ख़त्म कर देगी। और अगर आपने अच्छा काम किया है, आपके मन में अच्छी बात है और अच्छा है, तो आपकी डिसीज़ दब जाएगी, कम हो जाएगी, हो सकता है पूरी तरह से ख़त्म भी हो जाए। ये उन्होंने सिद्धांत पूरी तरह से बताया जो हर जगह दिखाई देता है, हर जगह मिलता है, क्योंकि जो बच्चे हैं वो आप कितना ही उनको झूठ बोलें या कितना ही उनको गलत बताएं, अनंत उनको सच्चाई आज के ज़माने में पता चल जाती है। फिर जो करप्ट फाइल है जो आपने बताई है और जो ओरिजिनल फाइल है वो आपस में इंटरलिंक हो जाती हैं, जो पूरे सिस्टम को बिगाड़ देती हैं। यानी बच्चा उस सिस्टम को एक्सेप्ट भी नहीं कर पाता और उसको डिलीट भी नहीं कर पाता और उसका पूरा सॉफ्टवेयर गड़बड़ा जाता है, जिससे कि करप्ट फाइलों को और ज़्यादा स्पेस मिल जाता है और शरीर पे वो हावी हो जाती हैं और शरीर को फंक्शन को चलाने में बिगाड़ देती हैं और शरीर को डैमेज करती हैं या उसको अल्टीमेट डेथ तक भी पहुंचा देती हैं। इसलिए ये जो चीज़ें हैं दुनिया में जो चल रही हैं, जो पाप कर्म और जो पुण्य कर्म हैं, ये बुद्ध के सिद्धांत के अनुसार एक बड़े कमाल की थ्योरी है, बड़े कमाल की ये चीज़ है। भारत के जो लोग हैं वो बड़े मस्त हैं, वो ज़्यादा परेशानी नहीं महसूस करते, वो ज़्यादा अपना पराया भी नहीं करते जब तक कि उनको कोई आके परेशान ना करे। वो बड़े मस्त रहते हैं,
जिसने जो किया किया, जो करके चला गया चला गया, जो कर रहा है ठीक है, उनको आप छेड़ोगे नहीं, वो कुछ नहीं कहेंगे, आप उनको छेड़ोगे फिर वो उसको रिपेल करेंगे, जो कि बहुत भारी पड़ जाता है, क्योंकि समण जो लोग हैं वो भारत के स्थायित हैं और उनके अंदर बुद्ध की वो सारी बातें हैं जो वो जानते हैं, जो वो समझते हैं और जिनको वो मानते हैं। धन्यवाद।